हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, 2-2 हज़ार की SIP इन 5 रिस्क फ्री शेयर्स पर और कमाओ लाखों। तो आपने अक्सर देखा होगा स्टॉक मार्केट में, जब भी कोई इन्वेस्टर कहूँगा या कोई भी लोग नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो काफ़ी अपना पैसा काफ़ी डुबा देते हैं, क्योंकि वो मिड कैप और स्मॉल कैप की चकाचौंध देख के उसमें घुस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे जितना गेन हो सकता है उससे ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं, और अपनी कैपेबिलिटी के, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से ऊपर उठ के वो इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। हर किसी की ये कहानी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, जिसके वजह से वहाँ पे पैसा काफ़ी डूबता है, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, फिर अकल आती है, फिर जाके वो थोड़ा सा लार्ज कैप की दुनिया में आते हैं और फिर वो अपना पैसा बचा पाते हैं। तब तक वो कई लोग तो काफ़ी कुछ डुबा चुके होते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं, नहीं, शेयर मार्केट तो बहुत बेकार चीज़ है, मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं है, यहाँ पे दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर कोई शेयर मार्केट से पैसा उठाता है अपने काम के लिए, हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। इवन अगर आप देखें, दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, उसका सारा पैसा कहोगे, मेजर पैसा उसका शेयर मार्केट में लगा हुआ है। कोई भी बढ़िया कंपनी उठा लो, कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, कोई भी सरकारी कंपनी उठा लो, अगर आप उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो LIC का नाम आपको हर जगह मेजर कंपनीज में देखने को मिलता है। क्या LIC को वहां से फायदा नहीं होता? LIC करोड़ों कमाती है, अरबों कमाती है, हजारों करोड़ों उन कंपनी से कमाती है, चाहे डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, डायरेक्ट शेयर बेच के। बस अब ये बात है, अब जो जैसे मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए 2-2 हज़ार की SIP शेयर मार्केट में, एक चीज़ याद रखना, ट्रेडर एक अलग प्रोफाइल होता है, इन्वेस्टर एक अलग प्रोफाइल होता है। जो ट्रेडर की दुनिया होती है, जो कि डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करता है, प्रॉफिट कमाता है, वो काफ़ी कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस पे भी वो जाता है, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड उसके लिए चाहिए। और फ्यूचर एंड ऑप्शन जब आप जाते हो, वो भी काफ़ी रिस्की होता है। तो रिस्की तो होता है, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जिनको नॉलेज होती है इस चीज़ में, तो वो अच्छा कमाते हैं, नो डाउट। यह है कि सबका अपना अपना प्रोफाइल बटा हुआ है, लेकिन अगर कोई नया है तो उसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म, हर किसी को वैसे मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म हॉरिजन से सोचना चाहिए शेयर मार्केट में। अच्छा खासा वो कमाएगा डेफिनेटली, अगर वो 5 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो 2-2 हज़ार की SIP के लिए जो ये 5 रिस्क फ्री शेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये शेयर में कमाई कम है, लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री है, और मैं बैंक की FD से ज़्यादा इसमें कमा पाऊँगा बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन बाजी के। तो चलिए बात करते हैं इन 5 शेयर्स की एक एक करके। तो उम्मीद करूँगा आपको पसंद ज़रूर आएंगे ये 5 शेयर्स। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप देखें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया में रिलायंस के बाद दूसरे नंबर की सबसे टॉप कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और इसके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन से हो, चाहे इंश्योरेंस डोमेन से हो, मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से हो, रिटेल डोमेन से हो, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स डोमेन से हो, टेलीकॉम डोमेन से हो, मीडिया या एंटरटेनमेंट डोमेन से हो, हर किसी डोमेन को सर्विस प्रोवाइड करती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसीलिए ये स्टॉक खास है और सबसे टॉप पे है। रिस्क फ्री शेयर इसीलिए है, ना इस कंपनी पे कोई उधार है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, और IT कंपनी मेजरली, ये कंपनी डॉलर्स में कमाती है, रुपीज में खर्च करती है, इसीलिए इनका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप IT फील्ड से, IT दुनिया से वाकिफ हो, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो बाहर से कमा के इंडिया के अंदर, उसमें अपना जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इंडिया के अंदर होता है, तो उनको कितना प्रॉफिट होता है। चाहे TCS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, HCL की बात करें, ये सर बड़े बड़े नाम हैं IT की दुनिया के। तो देखिए, 7.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ मात्र 2000 का प्राइस है, तो 2-2 हज़ार की SIP का मतलब, जब भी आपको शेयर में मौका मिले, ज़्यादा नहीं, एक एक शेयर करके, जब गिरावट हो या फिर हर महीने आप ये बात लीजिए कि मुझे एक शेयर इसका उठाना है, चलिए बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया शेयर मैं इसको कहूँगा, मतलब IT की दुनिया का बेताज बादशाह, और अच्छा खासा रिटर्न तो ये डिविडेंड के मामले में आपको दे देता है। ये तो हमने देखा TCS, और अगर आप इस कंपनी TCS का आपने देखा, तो डेट देखिए, ना के बराबर का डेट है, 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन,
और डेट देखिए मात्र 250 करोड़ भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर सारी चीजें बहुत बढ़िया है शेयर की, आप इसको और तलाशिए, इसका प्रॉफिट एंड डिटेल और डिटेल में देखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ, ग्राफ देखिए कितना बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिले इस शेयर में। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी, जैसे ये देखिए ये बिल्कुल पीक्स लो बन रहे हैं, फिर से ये लो की तरफ को आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक शेयर उठाते रहिए। जब भी इसका हर महीने में एक साइकिल पैटर्न बनता है, हाई से नीचे गिरता है, तो एक एक शेयर ज़्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो आपका सारा कुछ एवरेज हो जाएगा और बढ़िया रिटर्न देगा ये शेयर। ये तो था हमारा पहला शेयर TCS। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, बैंक की दुनिया का सबसे, प्राइवेट बैंकिंग दुनिया का सबसे टॉप शेयर है। देखिए 6.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने को जा रहा है, 2300 रुपये तक पहुंच गया ये शेयर, और बीच में कुछ गिरावट आई थी तो एक बहुत बढ़िया मौका था यहाँ पे एंट्री का। बुक वैल्यू 390 के आसपास की है, पी रेशियो बेहतरीन, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया स्टॉक, इवन सेल्स ग्रोथ भी आप देखिए 18.5% के आसपास की है, अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया। इस शेयर में लोग, जब भी मैं बताता हूँ तो लोग कहते हैं डेट बहुत है, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स का डेट बहुत ज़्यादा होता ही है क्योंकि ये वही पैसा लेते हैं और उसी पैसे से कमाते हैं, RBI से पैसा उठाते हैं, तो वो सारा डेट में कंसिडर होता है। तो इस शेयर की बात ही कुछ और है HDFC बैंक। रिस्क फ्री शेयर, अगेन मैं कहूँगा कि ये रिस्क फ्री शेयर है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इस शेयर के बारे में देखोगे डिटेल में तो आप खुद देखिए कि ये शेयर भैया बिल्कुल ऐसा, अगर आप पूरा ग्राफ देखिए लॉन्ग टर्म में, तो जो भी ये एंट्री का मौका है, जो भी आपको मौका मिलता है उसको बिल्कुल भुनाइए और एक एक शेयर करके इसका भी उठाते रहिए। ये भी आपकी वो जो 2000 की SIP में एक एक शेयर करके मौका मिलेगा आपको। बैंक में पैसा जमा करने से अच्छा है इन शेयर्स पे लगाते रहिए, ये शेयर ऐसे हैं नो डाउट, मतलब कम से कम रिस्क इन्वॉल्व इनके साथ होता है, रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है क्योंकि शेयर मार्केट अगर आप देखें कि अच्छे से अच्छा शेयर भी कभी कभी धराशायी हो जाता है, कोई न्यूज हो, कोई पॉलिटिकल कंडीशन हो किसी तरीके से, तो वही एक रीजन होता है, अदरवाइज जो अच्छा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, मार्केट बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो आपको रिटर्न बढ़िया देता ही है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे शेयर की तरफ जो है ITC लिमिटेड। अभी तक हमने बात करी थी एक IT कंपनी और एक बैंक, अब एक ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड इज अगेन अ वेरी गुड कंपनी, मेजर रेवेन्यू सिगरेट की दुनिया से आता है, लेकिन FMCG, होटल, पेपर पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, बाकी बिजनेसेस में भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है और एक सस्ता लेवल का प्राइस दिखता है इसको। देखिए 300 अंदर से अंदर का शेयर है, डेट फ्री शेयर है, ना के बराबर डेट है, अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया, आप खुद इसका इंट्रिंजिक वैल्यू देखिए फ्यूचर के परस्पेक्टिव से बेहतरीन, तो हर तरीके से हमारे सारे पैरामीटर को पास करता है ये ITC लिमिटेड। अगर आप इसका शेयर प्राइस देखें और बाइंग टाइम देखें कि क्या इसका बाइंग टाइम है, तो मैं यही कहूंगा कि 270 से नीचे का प्राइस, 270 280 या उससे नीचे का प्राइस बहुत बढ़िया रहेगा ITC लिमिटेड में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो है फाइनेंस की दुनिया का बेताज बादशाह बजाज फाइनेंस लिमिटेड। हर कोई बजाज फाइनेंस को जानता है और हर बिल्कुल बिल्कुल निचले स्तर से जानता है बजाज फाइनेंस को, और किस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है वो भी हर कोई जानता है। बजाज फाइनेंस की जो कामयाबी है वो बहुत कम लोग ही होंगे जो उसको नहीं जानते होंगे। 3000 का प्राइस जा चुका है, अभी कुछ दिन पहले 2000 के आसपास ये मिल रहा था शेयर, बेहतरीन ग्रोथ वाला शेयर मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस। 35% का सेल्स ग्रोथ इसका है और 35% जबरदस्त, अगेन फाइनेंस की दुनिया का। बैंकिंग शेयर हमने HDFC बैंक चूज किया था और फाइनेंस की दुनिया का बादशाह बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी आपको कोई भी प्राइस मिल जाए कोई कम नहीं, मैं कहूँगा हर डिप पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो। अगर आप देखें इसने अपना ये पूरा टारगेट पूरा करने वाला है 3100 का, उसके बाद फिर इसमें करेक्शन आने को होगी और जब भी करेक्शन आएगी वो आपके लिए एंट्री का मौका होगा। कोई भी प्राइस बजाज फाइनेंस के लिए कम नहीं होता, बेहतरीन कहूंगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब लास्ट शेयर की तरफ आते हैं। अब ये शेयर जो है पेंट्स की दुनिया का बेताज बादशाह है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अगर आप देखें इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, घर बहुत स्पीड से बन रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, घर में क्या चाहिए होता है, पेंट चाहिए होता है, तो एशियन पेंट अल्टीमेट में शेयर में कहूंगा इसको। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है वो देखिए 1500 रुपीज के आसपास का प्राइस है, 1800 रुपीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मतलब भाई अभी भी डिस्काउंट पे मिल रहा है ये मान के चलिए एशियन पेंट। इस शेयर में गिरावट आपको फिर एंट्री का जबरदस्त मौका, ये देखिए आप
लेवल देखिए, आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर एशियन पेंट्स को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन जब भी गिरावट आती है, एक एक दो दो शेयर जब मौका मिलता है आपको, उस हिसाब से सोचिए कि गिरावट में मुझे SIP करनी है और पैसा जमा करके वहां पे आप धीरे धीरे करके शेयर में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो ये जो पांचों शेयर मैंने आपको बताए, आपको रिटर्न कम मिलेगा, मतलब कि ये है कि बैंक में जहाँ 7-8% मिलता है, इन शेयर्स में ईयरली बेसिस पे आपको जरूर यह है कि 15%, 12%, 15%, 20% के आसपास मैक्सिमम इतना मिलेगा। लेकिन ये शेयर वो शेयर है जहाँ के आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर डूबने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये पांच शेयर उन जो नए लोग हैं उनके लिए तो खासकर ये बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले शेयर हैं, बेहतरीन ग्रोथ वाले शेयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये पाँचों शेयर जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।